हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले सेगरा ER40 टैबलेट्स के बारे में। सेगरा ER40 टैबलेट्स का क्या है, कब इसको यूज़ करता है, कितने को होता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट्स होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। तो सेगरा ER40 टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरुआत है सेगरा ER40 टैबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप है उसकी MRP 125। सेगरा ER40 टैबलेट को लाल रेनॉल्ड्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सेगरा ER40 टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंस की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंस हैं फेबुक्सो स्टेट्स एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स। सेगरा ER40 टैबलेट्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है फेबुक्सो स्टेट 40 mg टैबलेट्स। सेगरा ER40 टैबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल गाउट के इलाज के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टैबलेट्स का इस्तेमाल गठिया के इलाज के लिए ये टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेगरा ER40 टैबलेट्स का इस्तेमाल गठिया की रोकथाम और इलाज के लिए ये टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। गाउट यानी कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल्स कुछ ज़्यादा हो जाना, जब स्तर बहुत अधिक हो जाते हैं तो क्रिस्टल्स कुछ जोड़ो और आपकी किडनी व उसके आसपास बन सकते हैं। इससे अचानक गंभीर दर्द, लालिमा, गर्माइश और सूजन हो सकती है। ये दवा क्रिस्टल को बनने से रोककर आपके रक्त में यूरिक एसिड्स के स्तर को कम करके काम करती है और इससे आप में लक्षण पैदा की संभावना कम हो जाएगी। सेगरा ER40 टैबलेट्स का इस्तेमाल गाउट यानी कि गठिया के इलाज के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेगरा ER40 टैबलेट्स का डोज और डोजेंस की बात करें तो उसका डोज और डोजेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोजेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सेगरा ER40 टैबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको डायरिया, दस्त होना, हेडेक होना, मिचली आना, तब से आपको रैशेस होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सेगरा ER40 टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सेगरा ER40 टैबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स सेगरा ER40 टैबलेट्स। सेगरा ER40 टैबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि फेबुक्सो स्टेट्स 40 mg टैबलेट्स, वो जैनथाइन्स ऑक्सीडेस इनहिबिटर है। ये गठिया का कारण बनने वाले ब्लड यूरिक एसिड को कम करके काम करता है। सेगरा ER40 टैबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल जैसे फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सेगरा ER40 टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो सेगरा ER40 टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताइए, अदर वो डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताइए। सेगरा ER40 टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।